चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको हारमोनियम प्लेइंग के लिए किस तरह का हारमोनियम अच्छा रहता है ताकि आपकी फिंगरिंग बहुत परफेक्ट रहे, तो और क्या क्या आपको करना है उस हारमोनियम में। मैं कहूंगा, अगर मेरे दृष्टिकोण से माने तो इंग्लिश चाबी का जो पैटर्न है फिंगरिंग के लिए, हारमोनियम सीखने के साथ साथ फिंगरिंग अच्छी हो, फास्ट फिंगरिंग हो, उसके लिए इंग्लिश चाबी का हारमोनियम परफेक्ट रहता है। दो लाइन या तीन लाइन, जो भी जिस तरह का पैटर्न हो। और जब आपको फास्ट फिंगरिंग करनी हो तो आपके जो ये कमानी है, लोहे की जो कमानी होती है, ये टाइट होनी चाहिए। मतलब कि ये लूज़ नहीं दबना चाहिए, ये टाइट रहनी चाहिए। शुरुआत में आपको ज़रूर आपके हाथों में, उंगलियों में दर्द होगा यहाँ पर, लेकिन उस दर्द से क्या है, आपकी फिंगरिंग, आपके दिमाग में जो सीक्वेंस है बजाने का वो फीड होगा। पेन जरूर होगा आपको, लेकिन शुरुआत में होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन फास्ट फिंगरिंग के लिए क्या है, जितनी कमानी टाइट होगी चाबी का मूवमेंट उतना फास्ट होगा। भले ही आपके उंगलियों में दर्द हो, आपकी शुरू में उंगली फंसे भी, लेकिन आपके जो मसल्स हैं, उंगलियों की जो मसल्स हैं, दिमाग की जो मेमोरी है, उसमें ये सब चीज़ें फीड हो जाएंगी। जैसा मैं ये हारमोनियम का आपको बताता हूँ, और जब आप हारमोनियम बजाते हैं, जब आप प्रैक्टिस में हो, तो आप कोशिश करें, क्योंकि हारमोनियम को कई तरीके से बजाया जा सकता है। एक तो आप सिंग जो गज़ल वगैरह में जो कॉर्ड बेसिस पे रखकर, मतलब ज़्यादा उंगलियों को नहीं उठाया जाता, स्थिर रखा जाता है। एक हो गया कीबोर्ड के पैटर्न पर, मतलब आप जब उठा उठा के प्ले करेंगे तो क्या है, आप कीबोर्ड भी इजीली बजा पाएंगे। मतलब जब आपको कीबोर्ड बजाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं तो कहूँगा कि आप उठा उठा के उंगलियों को रखें। उठा उठा के रखने वाले जो पैटर्न है वो ठीक लगता है, वो आगे चलकर आपको बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट देता है। तो एक तो क्या है, मैंने आपको बताया दो तीन चीज़, तो आपकी कमानी टाइट होनी चाहिए, इंग्लिश चाबी का पैटर्न हो तो परफेक्ट है, बाकी वैसे नॉर्मल पैटर्न से भी कोई दिक्कत नहीं है, और कमानी उसकी टाइट होनी चाहिए, और शुरुआत में उंगली उंगलियों को उठा उठा के रखना है। मतलब ऐसे नहीं लटक लटक के ऐसे नहीं चलना है, शुरू में ज़रूर आप चलेंगे, लेकिन फिर आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप प्रैक्टिस करें तो एक एक सुर को अलग अलग लगाएं, ठीक है।